नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 के लिए। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करता है। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज 395 है, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी के लिए टोटल 208 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 10 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी में टोटल 42 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 12 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए टोटल 92 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल में टोटल 18 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में टोटल 10 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 2 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नवल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए टोटल 25 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 7 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को चेंज भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन एबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम का सेंटर कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, एजवाल, अलीगढ़, अल्मोरा, यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। इंडिया और नेपाल के सिटीजन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट्स, फेक्स एंड मेरिटल स्टेटस, देखिए इसको फिर अनमेरिट मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में है, वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए मिनिमम 12th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से 12th पास आउट हुए हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड से, आप किसी भी बैकग्राउंड से 12th पास आउट हुए हैं, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स एंड नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड फॉर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल अकेडमी में क्वालिफिकेशन 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास आउट होने चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि 10+2 के अपियरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अगर आप 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको SSB के टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करके आपको सबमिट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए जो कैंडिडेट्स 11th में हैं वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 6 जून 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट SSB इंटरव्यू में अपीयर होंगे वो कैंडिडेट्स को ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो कैंडिडेट्स पहले SSB अटेंड कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स को ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर को। तो आप इसमें सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन और SSB के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स से 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2.5 आवर्स का समय दिया जाएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट से 600 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2.5 आवर्स का समय दिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में 900 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और SSB 900 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। और देखिए अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो रॉन्ग आंसर का पेनल्टी लगाया जाएगा। सो आप क्वेश्चन को तब ही अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो जाएं। और देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि किसी भी मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ना लेके जाएं। अब देखते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस। तो देखिए मैथमेटिक्स में अल्जेब्रा से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मेट्री फे एंड डिटर्मिनाट फे ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री फे ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ टू एंड थ्री डायमेंशन पे ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप नोट डाउन या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा का यहाँ से देख लीजिए, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए पेपर टू में जनरल एबिलिटी टेस्ट में पार्ट ए में इंग्लिश से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ए फिजिक्स से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में केमिस्ट्री से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन सी में जनरल साइंस से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन डी में हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट एटसेट्रा से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ई जियोग्राफी में ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन एफ करेंट इवेंट से ये सारे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिए करेंट इवेंट्स में सिर्फ ये सारे टॉपिक्स को ही कवर करिएगा, अदरवाइज देखिए ये बात आप भी जानते हैं कि करेंट इवेंट्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप कितना भी पढ़ लें तो ख़त्म नहीं होगा। तो आप जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है इससे संबंधित ही टॉपिक्स को आप रीड कीजिएगा तो बेटर होगा। अब देखिए एफएसबी में स्टेज वन में पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। ये क्लियर करने के बाद स्टेज टू में कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा। स्टेज टू में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क साइकोलॉजी टेस्ट और कॉन्फ्रेंस होगा जो कि लगभग 4 दिनों का चलेगा या फिर 4 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप स्टेज वन को क्लियर कर लेते हैं तो ही स्टेज वन में भेजा जाएगा। अगर आप स्टेज वन को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है फॉर्म को अप्लाई करने से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शंस, तो आप इसको देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और फॉर्म को अप्लाई करते समय कितने साइज का फोटोग्राफ होने चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए। आप लास्ट 6 जून 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स से संबंधित कुछ गाइडलाइंस है, इसको आप देख लीजिएगा। बिकॉज अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं होगा ना तो आपको इस पोस्ट में सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। वो अगर माइनर इश्यू है आपके बॉडी में तो उसको आप क्लियर करवा लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप एक नज़र इसमें डाल लीजिए। जो जो क्रिटेरिया मेंशन किया गया है आप देख लीजिए, इसको आप फिलअप कर पाएंगे या नहीं, आप रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, यहाँ से आप देख लीजिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कितना भी रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लीजिए, अगर आप मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको इस पोस्ट में सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, अगर आपका फिजिकल डैमेज रहा तो। तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स का। यहाँ से देख लीजिए हाइट कितना होने चाहिए, एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट वेट मेंशन किया गया है, आप यहाँ से इसमें भी एक नज़र डाल लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको कौन सा पोस्ट दिया जाएगा और इस पोस्ट में ज्वाइनिंग लेने के बाद प्रमोशंस का क्या क्या क्रिटेरिया है और कितना सैलरी दिया जाएगा और सैलरी के अलावा और कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ज्वाइनिंग लेने के बाद, इसके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, फर्स्ट पोस्ट दिया जाएगा जिसमें लेवल 10 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 56,100 से 177,500 तक दिया जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट से मेजर तक का रैंक मेंशन किया गया है कि आपको मेजर तक के पोस्ट में लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा जिसमें 69,400 से 207,200 तक दिया जाएगा। हाईएस्ट रैंक है COAF का जिसमें लेवल 18 का सैलरी दिया जाएगा जिसमें 2,50,000 सैलरी फिक्स्ड है। इसके अलावा आपको MFP भी प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर हैं तो आपको फ्लाइंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं DRNF अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा, पारा अलाउंसेस जिसमें 10,500 पर मंथ दिया जाएगा, फिर पारा रिजर्व अलाउंसेस 2,625 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, फिर पारा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंसेस 10,500 पर मंथ दिया जाएगा, प्रोजेक्ट अलाउंसेस 3,400 पर मंथ दिया जाएगा और भी बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि ऑफिसर्स में हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस आपको 16,900 पर मंथ दिया जाएगा, हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप
कोई ऑपरेशन में आपको पोस्टिंग दिया जाता है तो फिर सियाचिन अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 पर ईयर दिया जाएगा, राशन आपको फ्री में दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, और देखिए आपके बच्चे का एजुकेशन का भी अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। एक बच्चा पर 2,250 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक। फिर हॉस्टल सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा, 6,750 रुपया पर मंथ आपके बच्चे को, 2 बच्चे तक का कवर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ डिसेबलमेंट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर डेथ हो जाता है तो इन केस ऑफ डेथ तो इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया जाएगा। तो ये सर्विस में बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सो दैट जब भी जॉब से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्रमोशन एवेन्यूज मेंशन किया गया है, आर्मी में लेफ्टिनेंट फर्स्ट पोस्ट दिया जाएगा, और नेवी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सब लेफ्टिनेंट दिया जाएगा, एयरफोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर एज अ पोस्ट फर्स्ट दिया जाएगा। आर्मी में देखिए लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन का पोस्ट दिया जाएगा, कैप्टन के बाद मेजर का, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल का, लेफ्टिनेंट कॉलोनल के बाद कॉलोनल दिया जाएगा, कॉलोनल के बाद ब्रिगेडियर का, ब्रिगेडियर के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हाइस्ट पोस्ट है इसमें जनरल का। फिर देखिए यहाँ पे नेवी का आप देख सकते हैं, नेवी का हाइस्ट पोस्ट है एडमायरल का। फिर एयरफोर्स में आप देख सकते हैं हाइस्ट पोस्ट है एयर चीफ मार्शल का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप अच्छे पोजीशन को गेन कर सकते हैं अगर आप इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।